भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेकर 1000 दफा करूंगा। क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ही बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2-4 और 5-10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ, तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक एज, तो मेरी एज अभी काफ़ी है उसका। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरव्यू करते हैं, जहाँ जिसकी जो जरूरत होती है वो इंटरव्यू करता रहेगा। देखिए आज की तारीख में तो अगर हम उससे पूछेंगे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त जरूरत, पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती में, सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की तस्वीर मानते हैं, या उनके लिए कोई पैगाम है इन इस मौजूदा सूरत हाल में, उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँचता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। जी भाई। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिन आत में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे जेल भी, 11 बजे के 1 मिनट जेल भी जा सकता है, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हों या ज़मीनी इलेक्शन हों या ये इलेक्शन हों, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पर आके नहीं कह सकता डाइस के अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की दरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीतर दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी, 1 साल 1.5 साल? देखिए मौजाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2.25 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टेयरिंग व्हील पे होगी, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि एक तो ये हज़्ब हाल हज़्ब ज़रूरत दोस्ती है, इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएँ सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। फैसल वाड़ साहब, ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग उस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को? देखिए दादा भाई, पार्टी बनाएंगे, मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था,
और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद-काठ चांद पर था, तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किससे कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिज़ाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिज़ाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का था, मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया, चेयरमैन साहब का टिकट था मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिज़ाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो बोझदार टू साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही है, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए मैंने तो आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुजदार टू नंबर एक। नंबर दो ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया था तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियाँ चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको तीन डब्बे और थैली और उसमें नजर आएंगे, बहुत अच्छा तरीकेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे ही बताएं कि पैमाना क्या है, अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ लूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन है उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने? मैं आपको नंबर देता हूँ डी जी आई एस पी आर का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे, मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकूँ। एक दफा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफा की, कोई तस्वीर एक दफा बाहर आई, 100 दफा हो चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से 1000 दफा करूंगा। ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके, आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेटा नहीं बना, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2-4 और 5-10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एज हो जाती है, मेरी एज अभी काफी है उसके अंदर। अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया। और कोई सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरूनी मुल्क से लोग यहाँ नौकरियां करने। हाँ, मैंने एक गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजत भी कर ली थी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरूनी मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। अच्छा, ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं आपसे। देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फजल भाई।